सुप्रभात बच्चों, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद हम ऑनलाइन शिक्षण की तरफ दोबारा आए हैं। आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पढ़ाई का अपनी विशेष ध्यान रखें। आज हम क्षितिज के पद्यखंड से पाठ 11 सवैया पढ़ेंगे। आज मैं आपको कवि रस खान जी के विषय में बताऊंगी और हम शुरू के 2 पद्य पढ़ेंगे और भाग 2 में हम सवैये के 3रा और 4था सवैया पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ सवैये में रस खान जी ने श्री कृष्ण का जन्मभूमि वृंदावन के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि उनको उनकी जन्मभूमि वृंदावन से इतना लगाव था कि वे सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए थे। रस खान रचनावली। कवि रस खान के जीवन परिचय के विषय में देखते हैं। कृष्ण भक्ति कवि रस खान जी का जन्म सन 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए, तब से वे ब्रज भूमि में ही बस गए। हम उनकी रचनाओं के विषय में देखते हैं। रस खान जी की अब तक 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। उनकी समस्त रचनाओं का संग्रह रस खान रचनावली के नाम से हिंदी काव्य जगत में सुप्रसिद्ध है। उनके काव्य की साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रस खान जी ने कृष्ण भक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया। वह कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता दर्शनीय है। उनकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। रस खान ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। भाषा में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार रखते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय हैं, अर्थात उनके सवैयों की तुलना काव्य जगत में किसी से नहीं की जा सकती। वे अपने आप में ही अनुपम कृति है। बच्चों, इस पाठ में सवैये में श्री कृष्ण के वृंदावन के प्रति लगाव को बताया है। वे बताते हैं कि रस खान जी का ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति अनुराग को प्रकट किया गया है। रस खान जी का इतना तीव्र लगाव कृष्ण के प्रति, उसके हर चीज़ से, उसके हर वस्तु से प्रति, वो जो कार्य करता रह जाया था, हर चीज़ के प्रति इतना अनुराग बताया गया है कि जिसकी तुलना शायद आज के समय में नहीं की जा सकती। ब्रजभाषा का सहज एवं मनोहर रूप तथा सवैये छंद की गतिमयता एवं लालित्य का दर्शन भी हमें इनमें प्राप्त होता है। भावों की स्वाभाविक एवं सहज सरल अभिव्यक्ति रस खान की कविता की उल्लेखनीय विशेषता है।
सवैये का आसार। बच्चों, इस पाठ सवैये में श्री रस खान जी द्वारा रचित दो आज सवैये में पढ़ाऊंगी और दो मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊंगी। टोटल चार सवैये रस खान जी के हमारे सिलेबस में हैं। देखते हैं पहला सवैया। इस सवैया में श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। इसमें रस खान जी ने अपने शब्दों में श्री कृष्ण की जन्मभूमि लीला भूमि वृंदावन और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति जो रस खान जी का लगाव है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला सवैया, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मंझारन, पान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण, जो खग हो तो बसेरो करूँ मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। ये देखो बच्चों, श्री कृष्ण वृंदावन की गायों के साथ और ये श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर का चित्र आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आइए पहले इस सवैये के हम शब्दार्थ देखते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। शब्दार्थ, मानुष मनुष्य, बसों बसों या रहूं रहना, ग्वारन ग्वाल बाल, कहा बस वश में नहीं होना, चरों चरों नित हमेशा, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र, धारण धारण किया, खग पक्षी, बसेरो निवास करूं, कालिंदी यमुना पुल किनारा, कदम एक वृक्ष, डारन शाखाएं। आइए अब हम इसका व्याख्या को पढ़ेंगे। कवि रस खान जी ने इस सवैये में कृष्ण की लीला भूमि और उनसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति अपने लगाव के विषय में बताते हुए हमें बताया है कि वे चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जब भी जन्म लूँ, किसी भी रूप में जन्म लूँ, तो मैं श्री कृष्ण की के ही बीच जन्म लेना चाहता हूँ। उनका इतना अनुराग, उनका इतना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है कि वे सब कुछ श्री कृष्ण के तरह ही करना चाहते हैं। रस खान जी कहते हैं, मानुष हो तो यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मैं नंद बाबा के गाँव ब्रज में ही ग्वालों के रूप में जन्म लूँ। उन्हीं के बीच ही मैं निवास करूं, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरोनी नंदन की धेनु मंझारन, यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं, पशु के रूप में जन्म लूं, तो मेरा अब ये बात मेरे बस की नहीं है। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नित नंदन की धेनु मंझारन, तो मैं कृष्ण बाबा नंद बाबा की गायों के रूप में जन्म लेना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वह गिरी को, जो किया हरि छत्र पुरंदन धारण, वो कहते हैं कि यदि मैं पाहन मीन्स पत्थर बनूँ, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूँ जिसे श्री कृष्ण ने हरि छत्र मीन्स पुरंदन धारण, उन्होंने अपनी उंगली पर उठाकर वृंदावन के लोगों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। जो खग हूँ
तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम गिरा रंग, यदि खग हूं, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं उसी कदम के डारंग, कदम की डाली, कदम के पेड़ की डाली पर निवास करूं, जिसमें नीचे कूल कालिंदी कूल में यमुना की तट पर और कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। दूसरे सवैये में श्री कृष्ण के काले कंबल पर तीनों लोकों का जो सुख है, रसखान जी वह भी त्यागने को तैयार है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तीनों लोकों में विराजमान हैं और अगर मुझे तीनों लोकों का सुख भोगने को मिले तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं उस सब चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आटो सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारू, रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। ये देखिए श्री कृष्ण का वृंदावन के बाग बगीचों के बीच का सुंदर चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं दूसरे सवैये के। यह इस लकुटी लाठी कामरिया छोटा कंबल तीहू तीनों पुर नगर यलोक तजी डारो छोड़ दूंगा, नवोनिधि नौनिधियाँ बिसारो भूलूंगा कबऊ, जब से सऊ से तड़ाक तालाब निहारूं देखूंगा, कोटिक करोड़ों धाम भवन करल एक प्रकार का वृक्ष कुंजन लताओं का घर कालधोत सोना वारो नौछावर करूंगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रसखान जी ने कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के प्रति अपना लगाव को के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए बताया है कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे, लकुटी और कामरिया कमर पर कंबल और लकुटी लाठी लेकर गायों को चराया करते थे, उसके बदले तीहूपुर में तीनों लोकों का राज काज सुख तजीडारो त्यागने को तैयार हूँ। रसखान जी कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गायों को चराने जाया करते थे वनों में, मैं उस लाठी और कंबल के बदले मेरे पास जो तीनों लोगों का सुख है मैं उसको त्यागने को भी तैयार हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उनका वे गायों को चराना सुख प्राप्त करने के बदले आठों सिद्धि ईश्वर ने जो उन्हें आठों सिद्धियाँ दी हैं और नवोनिधि में नौ निधियों का जो सुख दिया है वह इस गायों को चराने के बदले इन आठों सिद्धियों और नौ निधियों का भी सुख त्यागने को तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि कबिन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, वह ब्रज भूमि के वृंदावन के वन बाग वन बाग बगीचे तड़ाक तालाब आदि नियारोमीस को देखना चाहते हैं। रसखान जी के मन में उनकी आँखों में ब्रज के
वन बाग और तालाब को देखने की इच्छा है और वे अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन वारो वो कहते हैं कि मैं इन करिल के कुंजन बगीचों में रहना पसंद करूंगा और मैं इन करिल के कुंजन के बदले जो मेरे पास सोने के धाम हैं, रहने के लिए जो सोने के महल हैं, मैं उनका भी सुख त्यागने को तैयार हूँ। इस सवैये में श्री कृष्ण जी का, श्री कृष्ण जी के हर चीज़ के प्रति जो लगाव अनुराग रसखान जी कवि का है, वह अपने पास सब कुछ होते हुए भी श्री कृष्ण की हर चीज़ के प्रति इतना लगाव रखते हैं कि वह अपने सुख, सभी प्रकार के सुखों, चाहे वो नौ निधियाँ का सुख प्राप्त हो, चाहे आठ सिद्धियों का, राजकाज का, सोने के महलों का, वह हर चीज़ के सुख को त्यागने को तैयार हैं। तो बच्चों, इस सवैयों में, सवैया पाठ में हमने कवि का श्री कृष्ण की हर चीज़ के प्रति जो लगाव देखा है, वो वाकई बहुत सुंदर रूप से रसखान जी ने उस चीज़ का वर्णन किया है। अब दो जो हमारे वो बचे हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आए होंगे, ध्यान से शब्द अर्थ के माध्यम से आप इनको पढ़ने की कोशिश करना। और इसके साथ में जो वर्कशीट दी जा रही है वो इन दोनों सवैये पद्यों के आधार पर है जो आपको सॉल्व करनी है। और लिखने का जो भी कर रहे हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भाग दो के संग दिया जाएगा, वो आपको सभी कार्य फेयर कॉपी में करना है। धन्यवाद।